नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली वापस लौट गए। पटना से उनकी वापसी के बाद लालू के राजनीतिक विरोधियों ने जबरदस्त तंज कसा था। जनता दल यूनाइटेड ने लालू यादव को प्रवासी बिहारी तक बता दिया, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने खुद कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। लालू यादव की सेहत से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। लालू यादव को किडनी की बीमारी है और ऐसे में लालू की किडनी में बहुत सुधार नहीं हो रहा है। खबर यह है कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट पर उनके डॉक्टर मंथन कर रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में कराया जा सकता है। हालांकि यह जानकारी अभी शुरुआत स्तर की है। दरअसल लालू यादव जब पटना में थे तभी उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रह चुके आरके सिन्हा से हुई थी। लालू यादव और आरके सिन्हा दोनों किडनी के मरीज रहे हैं। आरके सिन्हा ने सिंगापुर में अपना इलाज कराया था। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो को सिंगापुर के डॉक्टरों से संपर्क करने की सलाह दी थी। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के डॉक्टरों से संपर्क साध रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है। जाहिर है कि अपने पिता के ट्रीटमेंट को लेकर वह वहाँ के डॉक्टरों से संपर्क कर सकती है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब से हो रही लगातार मौतों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद फानन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए जो बैठक बुलाई थी उसमें विभागीय मंत्री सुनील कुमार के साथ साथ राज्य के चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण, DGP SK सिंघल के अलावे अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। घंटों चली इस बैठक के बाद जो नतीजा निकला है वह बिल्कुल उसी तरह था जैसा पहले की बैठकों में देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान एक बार फिर से शराबबंदी को कमजोर करने के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पहले भी इस तरह के कई निर्देश देते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जहरीली शराब या फिर शराब की सप्लाई से जुड़े मामलों में अब तक केवल छोटे अधिकारियों पर ही गाज गिरती रही है। सरकार ने आज तक किसी भी बड़े अधिकारियों के ऊपर हाथ नहीं डाला है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो लोग भी शराबबंदी को कमजोर करने में लगे हैं उनकी पहचान कर एक्शन लिया जाए। इसके अलावा विभाग और पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन शराबबंदी की समीक्षा करेगा। हाल के दिनों में जहाँ जहाँ मौतें हुई है वहाँ दोषियों की पहचान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शराबबंदी के पक्ष सरकारी कार्यालयों, सरकारी आवासों समेत अन्य जगहों पर दीवार के ऊपर प्रचार प्रसार किया जाए। कोरोना महामारी के दौर से गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने शुरू की थी। केंद्र सरकार की यह योजना इसी महीने नवंबर में खत्म हो रही है। ऐसे में छठ पर्व के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को नवंबर के बाद भी मुफ्त राशन देने की कोई योजना तैयार नहीं की है। केंद्र सरकार का यह मानना है कि कोरोना महामारी का असर अब खत्म हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लोगों को कामकाज भी मिलने लगे हैं। ऐसे में अब सरकार की तरफ से महामारी के दौरान मुफ्त राशन देने की जो योजना शुरू की गई थी वह खत्म कर दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 30 जून को अपने भाषण में कहा था कि 8 महीने में मुफ्त राशन के वितरण पर सरकार को कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये की रकम खर्च करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को नवम्बर महीने तक चलाने का ऐलान किया था। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। दिवाली के दिन आतिशबाजी को लेकर अब सुप्रीम आदेश की धज्जियां उड़ने के बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आया है। बोर्ड के चेयरमैन ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटाखों पर पाबंदी लागू नहीं हो पाई। इस मामले में अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित जिलों के DM और SSP को नोटिस भेजने की तैयारी में है। बोर्ड की तरफ से संबंधित जिलों के DM और SSP से यह जवाब मांगा जाएगा कि NGT
और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद पटाखे कैसे बिके और उसकी आतिशबाजी कैसे हुई। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार में पटना समेत 4 शहरों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाया था। एनजीटी के आदेश के बावजूद बिहार में उसका पालन नहीं हो पाया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को पटाखे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया, लेकिन अब जबकि दिशा निर्देश का पालन नहीं हो पाया उसके बाद शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। अब संबंधित जिलों के डीएम और एसपी को जवाब देना होगा कि आखिर गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया। कीमतों में लगातार उछाल के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्या किए, इस मुद्दे पर खूब सियासत शुरू हो गई है। बिहार में वैट दरों की कटौती के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था। अब पूर्व डिप्टी सीएम और नीतीश के पुराने सहयोगी सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो पर पलटवार किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो को चुनौती देते हुए कहा कि लालू प्रसाद को लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपये कम होने चाहिए तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये और कम करा के दिखाए। सुशील मोदी ने कहा कि इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने की केंद्र की पहल के बाद बिहार सहित दर्जन भर एनडीए शासित राज्यों ने वैट घटाने की घोषणा की, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। लालू यादव की पार्टी झारखंड में झामुमो सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन वे इस राज्य में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करा पाए। बिहार के एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजों में एडमिशन के लिए जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीट यूजी 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सफल स्टूडेंट्स नेशनल कोटा व स्टेट कोटा दोनों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। बिहार के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह नियम 2021 से ही लागू हो जाएगा। स्टेट कोटे के तहत बिहार में एमबीबीएस की 1070 सीटें हैं, इसमें से 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा। अब 1070 सीटों में से करीब करीब 353 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हो गई हैं। जैसे पटना मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे के तहत 165 सीटें हैं, इसमें से अब करीब 54 सीटों पर लड़कियों का एडमिशन होता है। 2020 सत्र में बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में 40% सीटों पर लड़कियों का एडमिशन हुआ था। राजधानी पटना में छठ की तैयारी शुरू हो गई है। पटना में छठ पर काफी भीड़ रहती है, इसको लेकर सरकार की ओर से भी लगातार समीक्षा की जा रही है। राजधानी पटना में कैसी प्लानिंग हो और क्या व्यवस्था हो जिससे आने जाने वालों लोगों को भी राहत मिल सके, इसको लेकर पटना के डीएम एसएसपी बैठक कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस बार गंगा के बढ़े जलस्तर को ध्यान में रखते हुए डुबकी लगाने पर रोक लगाया जा सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी छठ महापर्व को देखते हुए विभिन्न नदी घाटों के साथ ही तालाबों पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करनी शुरू कर दी हैं। नदी किनारे घाटों के साथ तालाबों पर मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी, साथ ही प्रत्येक घाट पर एक एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों को एक पत्र भेजा गया है, इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रतियों को लेकर विशेष रूप से गाइडलाइन हो सकती है, इसमें छठ के दौरान गंगा में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बार राज्य सरकार अधिक से अधिक लोगों से घर में ही छठ पर्व मनाने की अपील कर सकती है। इसके अलावा घाटों पर गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण सरकार ये फैसला ले सकती है। वहीं घाटों पर आतिशबाजी पर रोक रहेगी, इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जलस्तर को देखते हुए बैरिकेडिंग के लिए भी निर्देश दिया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश साहनी की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर पार्टी प्रमुख ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए सन ऑफ मल्ला के नाम से प्रसिद्ध मुकेश साहनी ने कहा कि राजनीति में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं। नीतीश सरकार के मंत्री श्री साहनी ने कहा कि मंत्री बनने के बाद हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। साहनी ने आगे कहा कि मैं भी नीतीश कुमार के रिटायर होने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। यह निषाद समाज के लिए गर्व की बात होगी। वैसे साहनी ने कहा कि नीतीश कुमार एक मजबूत नेता हैं और उनके रिटायर होने के बाद ही बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली होगा। पेट्रोल पर वैट कम करने के बाद बिहार सरकार अब बिजली के टैरिफ और स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग आने वाले दिनों में बिजली बिल की दर में कमी की घोषणा कर सकती है। विभाग इस मसले पर बिजली कंपनियों पर बात कर रही है। टैरिफ और स्लैब में
बदलाव के लिए सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति लेने का प्रयास कर रही है। ऊर्जा विभाग के सचिव सह CMD संजीव हंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अभी 90 श्रेणियों में टैरिफ है, हम लोग इसको कम करके 3 दर्जन तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बिजली दर की असमानता दूर होगी। इसके अलावा 5 स्लैब की जगह 3 स्लैब करने पर भी विचार चल रहा है। 1 दर होने पर उपभोक्ता आसानी से समझ सकेंगे कि उन्होंने कितनी बिजली खपत की है। बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा देकर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए विशेष मौका देने का फैसला लिया है। 2020 में मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को 2023 की इंटर परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि 2020 में मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, अगर वैसे छात्रा चाहें तो स्वतंत्र विद्यार्थी के तौर पर इंटर के 2021-23 सत्र में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। गौरतलब है कि बिहार सरकार की ओर से मैट्रिक करने के बाद अगर कोई छात्र आगे इंटर में एडमिशन उसी साल नहीं ले पाता है तो उसे दोबारा अगले साल रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है। लड़कों के लिए यह 3 साल तक की छूट दी गई है, तो वहीं लड़कियों को यह मौका 4 साल तक के लिए है। बोर्ड के अनुसार 2020 में मैट्रिक पास लगभग 10,000 से अधिक छात्राएं इंटर में एडमिशन नहीं ले पाई थी। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की सुविधा कला और वाणिज्य संकाय के लिए दिया है, विज्ञान और अन्य कोर्स के लिए यह सुविधा नहीं दी गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।